मैनेजमेंट ये गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ गवर्नमेंट स्टेट हां सब अभी चल रहा है कॉलेज पर बिजली नहीं इनके पास जो टेंपरेरी टाइम चला रहे अब फिर इसमें फिर अभी गवर्नमेंट ने अपनी कंट्रोल लगा हां सब कॉलेज चल रहा है रनिंग है बिल्डिंग नहीं है 20 साल से चल रहा है सर लो कॉलेज 20 साल से चल रहा है सिरोही में लेकिन उनकी खुद की बिल्डिंग नहीं थी उसका उसका खुद का बिल्डिंग नहीं था दूसरी जो आर्ट कॉमर्स कॉलेज चल रही है उसमें उसको कमरे दिए हुए सरकारी सरकारी गवर्नमेंट मिले हैं और अब मुझे बना के आपको सौंप दिया सौंप दिया ओनली अभी ये ओनली लो कॉलेज रहेगी सर यहाँ नहीं यहाँ से बोलो अंबे मात की जय पेलो पानी लाओ सर आपका जीवन हम सब युवाओं के लिए प्रेरणा भी है आप तब की कांग्रेस के युवा नेता रहे हैं आज की कांग्रेस को भी देख रहे हैं अब आतंकवाद और देश को लेकर आपका क्या कहना है देखो पॉलिटिकल बात तो मैं नहीं करूंगा आज मैं जिस स्थान पे आया हूं केवी सिंघवी जी के जो काम है पूरे परिवार के काम मैं उसको देखता हूँ मैं प्रेरणा नहीं हूँ मेरे लिए आज प्रेरणा पूरे विश्व में जो एक नाम बनाया कि केवी सिंघवी परिवार जी ने मैं वो मेरे आज प्रेरणा की मैं उनसे प्रेरणा लेता हूँ और पूरे देश में जहाँ जहाँ भी बड़े समागम होते हैं मैं उन सबको कहता हूँ राजनीतिक लोगों को कहता हूँ सोशल ऑर्गेनाइजेशन को कहता हूँ कि काम कम करते हैं शोर ज़्यादा मचाते हैं वो केपी सिंघवी जी के परिवार से प्रेरणा लें हमें राष्ट्र की सेवा कैसे करनी है हमें युवाओं को एक नई शिक्षा दे के राष्ट्र का निर्माण कैसे करना है किसी ने साइंटिस्ट बनना है किसी ने डॉक्टर बनना है किसी ने डिफेंस में जाना है किसी ने फौज में जाना है उसके लिए केपी सिंघवी परिवार से प्रेरणा लेना बड़ा ज़रूरी है ये मेरा सबसे बड़ा जो आज आने का यहाँ मकसद था दूसरा आपने आतंकवाद के ऊपर बात की जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं आतंकवाद से भारत मुक्त हो चुका है एक गोली अगर पाकिस्तान से चलती है 100 गोली का जवाब देने के लिए हिंदुस्तान तैयार खड़ा है ये नरेंद्र मोदी जी का काम है सवाल बीजेपी का कांग्रेस का वो नहीं है जैसे केपी सिंघवी परिवार एक राष्ट्र के लिए काम करता है वो किसी पार्टी से नहीं है बैठे विदेशों में माइंड्स हैं बिजनेस हैं पर दिमाग इधर है गौ माता से लेके राष्ट्र तक उनका काम है इसी तरह नरेंद्र मोदी जी का काम प्रधानमंत्री हैं हर चीज़ के ऊपर उनकी नज़र है एजुकेशन के ऊपर नज़र है डिफेंस के ऊपर नज़र है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर नज़र है सड़कों का निर्माण के लिए पॉलिसी उनका है युवाओं को आगे कैसे बढ़ाना है तो वही काम है आज केपी सिंह भी परिवार कर रहा है कोई उनका इलेक्शन मकसद नहीं कोई राजनीति मकसद नहीं कॉलेज बनाएंगे 10-15 करोड़ का और सरकार को दे देंगे हॉस्पिटल बनाएंगे 20-25 करोड़ का सरकार को दे देंगे स्कूल बनाएंगे 10-15 करोड़ का सरकार को दे देंगे क्या लेना उन्होंने इससे बड़ी सेवा कोई नहीं सकती जो हमारे लिए प्रेरणा है तो मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूँ